हमारे पास जो गाड़ी थी हिमालय, जिसका हमने एयर सिलेंडर खोला था, तो अभी इसका सामान रेडी होकर आया। लगभग 10-15 दिन हो गया था इसको, क्योंकि हमने इसमें सामान नहीं मिल रहा था यहाँ पर, इसका थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, इसलिए करके तो आज इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। तो इनमें हमने इसका एयर सिलेंडर खोला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका सिलेंडर लगाते हैं, और सिलेंडर हमने ऐसे ही खोल रखा है इसका, ये कनेक्शन रोड चेक करने के लिए। तो अभी कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इसका सिलेंडर लगा देना है, और मैं सिलेंडर लगा के आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद जो है हम इसका सीधा हेड जो है फिट करेंगे, तो हेड की प्रॉपर जानकारी देंगे आपको, एक एक चीज़ डिटेल में समझाएंगे कैसे कैसे क्या क्या फिट करना होता है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, वीडियो मज़ा आने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए हेड इसका फिट करते हैं। सो फाइनली गाइज, हमने जो है ना हेड को क्लीन कर लिया, आप देख सकते हैं चारों साइड से। और जब भी हम हेड को फिट करेंगे, तब आपको हेड जो है ना बिल्कुल प्रॉपर क्लीन कर लेना है, ताकि कोई डस्ट अंदर ना रह जाए। और ये रहे हमारे हेड वाल्व, जो कि हमने ग्राइंड करवा लिए हैं, और इनके अंदर ऑयल लगा दिया है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑयल सील फिट करनी है। लेकिन कुछ लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, ऑयल सील को फिट कर लेते हैं, और जो यहाँ की जो कैप होती है ना, ये इसको नहीं लगाते। अब आप देख सकते हैं कि ये जो कैप है, इस कैप में से ऑयल सील नहीं पार होगी। इसका मतलब अगर हमने ये पहले नहीं लगाया, ये इस तरह, और हम ऑयल सील को लगाएंगे, तब तो ठीक है। अगर इनकेस हमने ये, इनकेस अगर हमने ये पहले लगा दिया, तो फिर हमारा ये कैप जो है इसमें नहीं लगेगा। तो बहुत लोग ऐसा कर लेते हैं, मैंने कई बार देखा है। तो सबसे पहले हमें ये दोनों साइड के लगाने होते हैं कैप, क्योंकि कैप लगाने बहुत ज़रूरी हैं, और ये मिस नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इनको, जो ये कैप है वो हम इनको फिट कर लेंगे अच्छी तरह, ऐसे करके चेक करके। और फिर जो हमारी ये हेड की वाल्व सील है, इसके अंदर को थोड़ा सा हम इस तरह ऑयल लगाएंगे, और यहाँ पर भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इस तरह, और इसको यहाँ से हम प्रेस कर देंगे ऐसे। सिंपल है, सिंपल मेथड है, कोई भी बड़ा प्रोसेस नहीं है ये। इस तरह इसको प्रेस कर देंगे, सीधा ये प्रेस हो जाएगा। फिर हमने दूसरी वाल्व सील लेनी है, और इस वाल्व सील को यहाँ पर लगाना है इस तरह से। इस तरह हम इसको सेट कर देंगे, और ये लग गया हमारा, दोनों हेड की वाल्व सील लग गई है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे ये वाला वाल्व है, ये हमारा इनलेट वाल्व है बड़ा वाला, और जो छोटा वाल्व होता है वो हमारे एग्जॉस्ट वाल्व होता है। तो हम इन दोनों वाल्वों को यहाँ से इस तरह बिठा देंगे, ये हमारे सेट हो गए वाल्व। फिर हम इसको यहाँ पर रखेंगे ऐसे करके, और हमें इसको सेट करने के लिए हमें एक टूल की ज़रूरत होती है। फिर हमारे जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग के अंदर भी ना एक चीज़ है, आप ध्यान से नोट करेंगे। तो इसके अंदर क्या है, देखो यहाँ पर जो इसकी जो सर्कल है वो छोटे हैं, यहाँ आके बड़े हो जाते हैं। तो ये छोटे होने के कारण है, ये जो नीचे, ये जो छोटे हैं और ये बड़े जो हैं, ये जो छोटा वाला हिस्सा है वो हमें नीचे की साइड रखना है। और किसी किसी पर ये पेंट भी लगा होता है, तो आप पेंट से भी पहचान कर सकते हैं। बट अगर पेंट ना भी हो, तो आपको यही तरीका बेस्ट रहेगा देखने के लिए, कि ये जो गालें हैं ना, थोड़ी सी लाइन की मोटाई है वो बड़ी है, और यहाँ छोटी है। तो जो छोटा वाला साइज है वो नीचे की साइड रहेगा इस तरह, ऐसी हमारी करके छोटी वाली स्प्रिंग में भी यही चीज़ होती है। तो हमें नीचे की साइड रखना है ऐसे करके। तो सेम करके हमें ये दोनों स्प्रिंग डाल लेनी है। तो मैं पहले टूल की मदद से एक एक साइड का फिट करके फिर आपको दिखाता हूँ। और वो फिट करने के लिए हमारे जो ऊपर का मेन कैप है, और जो हमारे वाल्व के लॉक हैं, ये दो वाल्व के लॉक इसमें हमें लगाने होते हैं इस तरह करके। यहाँ पर ये वाल्व का लॉक हमारा ऐसे करके सेट हो जाएगा। तो मैं एक बार ही आपको लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली गाइज, हमारा जो हेड के वाल्व है वो फिट हो गए। और इनको फिट करने के बाद चेक करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रॉपर सेट हुए नहीं। इस तरह हमने एक हैमर लेनी है छोटी सी, और इस तरह बजा के देखनी है एक दो बार। अगर ये प्रॉपर सेट हो जाएंगे लॉक, तो ये निकलेगा नहीं है। और बाय चांस अगर ये लॉक ठीक से सेट नहीं होते हैं, तो कई बार निकल जाते हैं। इस तरह चेक कर लेनी है। तो हमारे जो वाल्व हैं वो परफेक्ट सेट हो गए हैं। आप इसको साइड कर देते हैं, और ये जो हमारे रॉकर का जो कवर है, ऊपर का टॉप है, इस टॉप को हम फिट करेंगे। तो इस टॉप में हमारे कुछ नहीं लगाया, तो हम इस टॉप के अंदर जो जो चीज़ें लगती हैं वो सब आपको दिखाएंगे। तो रॉकर कैसे फिट करे जाते हैं, और उनकी प्रॉपर कैसे जांच की जाती है, इंस्पेक्शन कैसे करते हैं पूरा, तो मैं पहले एक बार ही आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली, जो हमारा जो हेड का टॉप है, उसमें हमने ये रॉकर लगाने हैं। तो रॉकर हमने कुछ इस तरह लगाने हैं, यहाँ पर ये रॉकर लगाने हैं इस तरह। और हमें यहाँ की जो पिन है ना, वो भी बिठा देनी है। और जब भी यहाँ पर कोई चीज़ फिट करें आप, रॉकर वगैरह, तो यहाँ पर ऑयल ज़रूर लगा लें, क्योंकि जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उसी सेकंड में जो है हमारा पंप काम नहीं करता,
ऑयल का सर्कुलेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो तब तक पार्ट्स सूखे चलेंगे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डैमेज होगा। तो इसलिए आपको ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर कोई भी चीज़ लगाने से पहले उसको चिकना ज़रूर कर लें, क्योंकि चिकना कर लेंगे तो अच्छा चलेगा। मतलब मेरे कहने का है कि ऑयल लगाना ज़रूरी है। और इस तरह लगाने के बाद ये हमारे रॉकर कुछ सेट हो जाएंगे। अब रॉकर सेट करने के बाद जो इसके ये जो बोल्ट बसते हैं दो कैप यहाँ पर, इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लॉक टाइट लगाना होता है ज़रूर लाजिम। तो ये हमारे पास एक लॉक टाइट है और वो हम लॉक टाइट इसमें थोड़ा सा लगाएंगे ताकि ये कभी भी जर्किंग से लूज़ ना हो। और यहाँ पर ये लूज़ नहीं होंगे, तो ये कई बार लूज़ हो जाते हैं तो यहाँ पर ऑयल आने लगता है, तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर थ्रेड लॉकर लगाना है। इसको लॉक टाइट भी, मैं तो लॉक टाइट बोलता हूँ, वैसे इसको थ्रेड लॉकर कहते हैं, ताकि जो बोल्ट के जो थ्रेड होते हैं उनको ये लॉक करके रखता है। तो ये लॉक जो थ्रेड लॉकर है ये ज़रूर लगाना है, क्योंकि यहाँ कंपनी लगा कर देती है इनको, तो हमें जो है यहाँ पर ज़रूर लगाना है ये इस तरह। सो फाइनल गाइस, हमारे जो रॉकर हैं वो कंप्लीट सेट हो गए। तो अब इस टॉप के अंदर कोई काम नहीं बचता, अब सीधा हम इसको हेड के ऊपर लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारी गाड़ी का सिलेंडर बचा था, सिलेंडर को लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। सो फाइनल गाइस, हमारा जो सिलेंडर था वो फिट हो गया है और अब यहाँ पर लगने होते हैं इसके दो नट और वहाँ पर हमें कॉपर के वाशर लगाने होते हैं। तो ये हमारे दो कॉपर के वाशर और दो नट हैं, यहाँ पर कॉपर के वाशर लगते हैं पतले वाले, तो मैं इनको लगा के टाइट कर देता हूँ, उसके बाद सिलेंडर फिट करें, हेड फिट करेंगे। तो फटाफट इनको टाइट करने के बाद जब हेड फिट करेंगे तब आपको दिखाएंगे। हमने जो इसका पहले वाला पार्ट बनाया था इसको डिसम्बलिंग के बारे में, तो साउंड के ऊपर बनाया था, अब हम इसमें साउंड का ही काम कर रहे हैं। इसकी टाइमिंग चेन की पूरी किट नहीं डाल रहे हैं हम, तो टाइमिंग चेन की किट के अंदर हमें मिलता है ऊपर वाला पिनियन और हमारे जो है चैन गाइड मिलते हैं दोनों, और जो है हमारी टाइमिंग चेन मिलती है, और जो हमारी जहाँ पर हम कैमशाफ्ट में ऊपर वाली पिनियन को लॉक करते हैं उसके दो नट और उसकी लॉक प्लेट मिलती है, और इनमें ऑलरेडी हमारा लॉक टाइट लगा होता है, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो जो रेड रेड कलर का दिख रहा है वो लॉक टाइट लगा हुआ है, जो थ्रेड लॉकर है। तो अब हम इसकी सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर एक गाइड फिट करनी है इस वाले हॉल से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें एक गाइड फिट करनी है, और दूसरी गाइड हम पैकिंग लगाने से पहले लगाएंगे, और पैकिंग लगाने के बाद हम इसका हेड फिट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी गाइड को फिट कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली गाइस, हमने यहाँ गाइड वगैरह चैन वैन सब कुछ लगा दिया, पैकिंग लगा दिया, और अब हम सिर्फ इसके ऊपर हेड लगाने वाले हैं। तो मैं ये पैकिंग सेट करके, पैकिंग लगाने से पहले हमने यहाँ पर दो जो हमारी डबल पिन है डबल पिन लगानी है, और चैन गाइड लगानी है, चैन भी डालनी है इसके अंदर ही, उसके बाद हम हेड को फिट करेंगे। तो मैं सबसे पहले ये सब कुछ सेट करके हेड लगा के आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली गाइस, मैंने इसका जो है सिलेंडर हेड फिट कर दिया, और अब यहाँ पर जो है जो हमारा मैग्नेट कवर है वहाँ पर हमें जो इसके सेल्फ के आइडल गियर फिट करने हैं इसमें। सो फाइनली गाइस, यहाँ का सारा काम कंप्लीट हो गया, अब मुझे यहाँ के जो आइडल गियर होते हैं सेल्फ के वो लगाने हैं, और सेल्फ की जो गरारी है पीछे वाली वो लगानी है, वो ये है गरारी, ये लगानी है, और मैग्नेट लगाने के बाद मैग्नेट को टाइट करेंगे तभी हम उसका टाइमिंग मिला पाएंगे। तो पहले मैं ये लगा लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाली गरारी को यहाँ पर फिट करना है, कुछ इस तरह से ये फिट हो जाती है, और उसके बाद हमें यहाँ पर डॉबल वो लगानी है इसकी क्वार्टर पिन, जिसे कहते हैं मैग्नेट की की। मैग्नेट की की लगाने के बाद मैग्नेट लग जाएगा, एक बार मैं यहाँ लगा के दिखा रहा हूँ आपको मैग्नेट। तो ये जो हमारे आइडल गियर हैं, तो जो डबल गियर है वो हमारा सबसे ऊपर की तरफ पड़ता है, और जो बड़ी वाली जो छोटी वाली डबल पिन है, मतलब जो बड़ी डबल है इसकी जो शाफ्ट है बड़ी वाली, वो ऊपर डबल गियर के साथ पड़ती है, और जो छोटी वाली शाफ्ट है वो नीचे छोटे गियर के साथ पड़ती है। और इसमें जो ये दो बुश होते हैं इस तरह के, ये बुश दोनों सेम साइज ही होते हैं, आप कहीं से भी कहीं का भी लगा सकते हो, और कुछ इस तरह का मैकेनिज्म है इसका पूरा। और अब यहाँ का काम तो हमारा कंप्लीट हो जाता है, बट फिर भी हम अब जो टाइमिंग मिलाएंगे वो हम यहीं से देख करके मिलाएंगे। तो मैं करता हूँ पहले ऊपर का यहाँ पर कैमशाफ्ट लगा लेता हूँ, और आपको वीडियो में तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि इतने क्लियर नहीं दिखेगा,
लेकिन मैं नीचे का एक फ़ोटो और ऊपर का एक फ़ोटो ऐड कर दूंगा आपके लिए परफेक्ट, ताकि आपको समझ में आए कि टाइमिंग कैसे मिलेगा इसका। तो फाइनली मैंने आपको बता दिया कि इसमें टाइमिंग को कैसे मिलाते हैं, एक बार आप यहाँ देख लीजिए और यहाँ पर भी देख लीजिए, प्रॉपर आपको समझ आ गया होगा। और बाकी का मैं आपको शायद फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर डिस्प्ले पर आपको दिखाई देगा प्रॉपरली कि ये यहाँ का और यहाँ का टाइमिंग आपको कैसे मिलाना है। तो आप यहाँ का काम हो गया कंप्लीट, तो यहाँ पर हम कैम को लॉक कर देते हैं और कैम के सारे बोल्ट वगैरह टाइट करके और सब प्रॉपर फिट कर देते हैं, ऊपर का टॉप लगाएंगे अभी। तो पहले इसकी कैम शाफ्ट का जो पत्ती है और जो बोल्ट हैं यहाँ के वो टाइट कर देते हैं, मैं एक बार ही आपको लगा के दिखा। तो यहाँ का ऑलमोस्ट काम हो गया, अब हम इसका सिर्फ टॉप को बंद करेंगे, टॉप लगाना बाकी बचाए। तो ये रहा हमारा टॉप, और टॉप के अंदर हमने एना बोल्ट भी लगानी है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं लगानी क्योंकि ज़्यादा अगर लगाएंगे तो कैम शाफ्ट में भर जाएगी, उसी हिसाब से लगानी है ताकि वो कैम शाफ्ट के अंदर ना भरे। तो अब यहाँ का मैं टॉप लगा लेता हूँ, और टेंशनर भी हमें अभी लगाना बाकी है, तो टेंशनर मैं बाद में लगाऊंगा, पहले इसका टॉप लगा लेता हूँ, क्योंकि टेंशनर हम तभी लगाते हैं जब हमारा ये टाइमिंग मिल जाता है। तो एक बार टेंशनर पहले लगा लेता हूँ, कोई नहीं, और बाद में हम इसका टॉप लगाएंगे, तो पहले टेंशनर लगा लेता है। सो फाइनली गाइस, ऑलमोस्ट गाड़ी का काम हो चुका, हमारा सिर्फ रॉकर वगैरह सेट करने रह गए। तो रॉकर सेट करना भी आपको बताऊंगा प्रॉपरली कैसे करते हैं और कितने mm इसका गेज रखना होता है, तो वही बात इसमें करेंगे हम। वीडियो का एंड हो चुका लगभग, क्योंकि सारा काम हो चुका, इसलिए अब हम इसमें रॉकर को फिट करेंगे, मतलब रॉकर को सेट करेंगे, और सेट करने के बाद जो है गाड़ी को स्टार्ट करके आपको इसकी जो पहले की आवाज़ है वो भी सुनवाएंगे और जो बाद की आवाज़ है वो भी सुनवाएंगे। तो फटाफट मैं इसके रॉकर सेट करता हूँ, फिर आपको दिखाते हैं। सो फाइनली गाइस, ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया, हमने इसके रॉकर भी सेट कर दिए। तो जो इनलेट वाला वाल्व है उसको कैसे सेट कर दे, वो हमें 0.8 रखना है, और जो हमारा एग्जॉस्ट वाला वाल्व है वो 0.23 रखना है। तो अब आप आई हो आप समझ गए होंगे कि इनलेट वाला जो है, जो हिंदी भाषा में कहते हैं कि ठंडा वाला वाल्व जो है वो 0.8 रखना है, और जो हमारा गर्म वाला वाल्व है वो 0.23 रखना है। तो आई हो आप समझ गए होंगे। तो अब फटाफट इसके रॉकर को कैप को बंद कर देता हूँ और टैंक लगा के गाड़ी को फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगला वीडियो आपको जो है स्टार्टिंग का दिखाते हैं। सो फाइनली हमारी गाड़ी का काम जो है कंप्लीट हो गया, मैं एक बारी आपको गाड़ी की आवाज़ सुनवा देता हूँ। और ये रही हमारी गाड़ी की स्टार्ट की आवाज़, तो करते हैं चाबी को ऑन, और ये इंजन ऑन किया हमने। तो आप देख सकते हैं ये गाड़ी का साउंड है कुछ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।